गुड मॉर्निंग क्लास 9। पिछले वीडियो में हम लोग ने ग्रेविटेशन चैप्टर का कुछ पोर्शन स्टडी कर लिया था। कुछ पोर्शन रह गया जो इस वीडियो में डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर की ओर चलेंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 9 के टर्म सेकंड का लास्ट चैप्टर है फिजिक्स के लिए, जो कि इस वीडियो के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। आज हम लोग प्रेशर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से प्रेशर निकाला जाता है। तो प्रेशर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सभी लोग समझते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम लोग थ्रस्ट भी बोलते हैं, एरिया सभी लोग समझते हैं मीटर स्क्वायर। दैट मींस जो प्रेशर होता है उसका यूनिट न्यूटन मीटर माइनस टू और पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट थे, पास्कल सर एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने फोर्स के रिलेशन में कुछ कॉन्सेप्ट दिया, जिसकी वजह से वन पास्कल इज इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले पर बेस पे आज हम लोग इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल हम लोग का है फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ फोर्स 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। कैलकुलेट द प्रेशर, फर्स्ट फोर्स हम लोग को गिवन है 100 न्यूटन। फोर्स जो है वो हमेशा न्यूटन में ही होगा, ये चीज याद रखना, फोर्स हमेशा न्यूटन में दिया होगा। अगर कोई चीज न्यूटन में गिवन है तो उससे तुरंत हम लोग समझेंगे कि ये फोर्स है। एंड सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, दैट मींस एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है, प्रेशर निकालना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट मींस 100 अपॉन का 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ये फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन गिवन था, एरिया गिवन है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट मींस 100 अपॉन 2, दैट मींस 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। सेकेंड क्वेश्चन है, अ वुमेन इज बियरिंग शार्प हील 2 और पेंसिल हील 2, इफ द मास ऑफ दिस वुमेन इज 50 केजी एंड द एरिया ऑफ वन हील इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड व्हेन द वुमेन स्टैंड्स ऑन जस्ट वन हील, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, एफ इज इक्वल टू मास हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में 50 kg, 50 ग्रेविटी, एवरीबॉडी नोज दैट इन द अर्थ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 50, दैट मींस 500 मास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन 500 न्यूटन। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मींस 1/10,000 मीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव आल्सो नोट दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी एंड प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट मींस प्रेशर
इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू हम लोग को गिवन है 500 अपॉन का 1 अपॉन 10,000। प्रेशर P इज इक्वल टू 5 6 × 0 पास्कल। दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड न्यूमेरिकल एंड नोट जिसको करना है नोट कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन, एरिया इज इक्वल टू 2 मीटर, दैट मीन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया 100/2, दैट मीन 50 न्यूटन/m² पास्कल। सेकेंड न्यूमेरिकल इज एफ इज इक्वल टू एम जी, एफ इज इक्वल टू एम 50 and 10, ग्रेविटी ऑफ अर्थ 500 kg/m² that means 500 newton, and we have also given in question area is equal to 1 cm² calculated in m² that means 1/10,000. So pressure is equal to force upon area, that means P is equal to 500 upon 10,000, that means 500 या फिर 5 6 × 0। इस तरीके से ये दो न्यूमेरिकल हो गए। तीसरा हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज मास ऑफ 4 kg, m is equal to 4 kg, acceleration due to gravity, that means z is equal to 10 m/s². A rectangular wooden block has mass of 4 kg, the length pre and height of wooden block are 50 cm, 25 cm and 10 cm respectively. Find the pressure of the table top. First, which are fine when the wooden block is kept with the surface measuring 50 × 25 cm on the table, and so second is when the wooden block is kept with the surface measuring 25 × 10 cm of the table. M हम लोग को given है 4 kg, z everybody knows that gravity of earth z is equal to 10 m/s². So apply the formula of weight, W is equal to M into G. That means 4 into 10, 40 kg meter per second square. सभी लोग समझते हैं वर्ग जो है वर्ग, यहां पे ये हम लोग वो रख देते हैं वेट। वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी एंड वेट आल्सो लाइक अ फोर्स, सो 40 न्यूटन, दैट मींस एफ निकल के आया है हम लोग का। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया 50 cm × 25 cm मेजरमेंट है, इसको सॉल्व करेंगे 0.125 m². ये सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे तो इतना मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। और प्रेशर हम लोग P इज इक्वल टू F अपॉन A, हम लोग को F भी गिवन है और एरिया भी गिवन है, F 40 एरिया 0.125, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग का प्रेशर पास्कल में निकल के आ जाएगा जो कि लगभग 320 पास्कल।
इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड सभी लोग समझते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनमें फ्लो होने की एबिलिटी होती है। दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो फ्लूइड क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो ईजली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। ऑल द लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। ऐसे सब्सटेंस जिन जो आसानी से फ्लूइड फ्लो कर जाते हैं, फ्लो का मतलब बह सकते हैं, बहने की टेंडेंसी होती है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। हम लोग के सारे लिक्विड और गैसेस जो हैं वो फ्लूइड में आते हैं। अ फ्लूइड एग्जर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, ऑल फ्लूइड्स और लिक्विड, जिसमें लिक्विड भी है और गैसेस भी है, एंड गैसेस और फ्लूइड्स लिक्विड्स एंड गैसेस इनमें शामिल होती हैं, एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। इवन अपवर्ड ऐसे फ्लूइड्स जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं सभी डायरेक्शन में सेम, सपोज डेट जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड प्रेशर, ये हल्के से होल है यहां पे, सेम साइज के होल है ये, सेम हाइट पे, तो इनसे जो निकलने वाला फ्लूइड होगा वो सेम क्वांटिटी में निकलेगा। अगर यहां से हम लोग ये प्रेस एक लिमिट में कर ऐसे करते चले जाए प्रेस, ये कोई लिक्विड भरा नहीं, इसको बोलते हैं फ्लूइड प्रेशर। उसके बाद बायंसी, जिसको उत्प्लावकता बोलते हैं हिंदी में, ये सभी लोग नोट कर सकते हैं। फ्लूइड्स दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। प्रॉपर्टीज ऑल फ्लूइड्स लाइक लिक्विड्स एंड गैसेस एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड, ऊपर की तरफ प्रेशर लगाते हैं। बॉयंसी इसको बोलते हैं उत्प्लावकता, उत्प्लावकता हिंदी में ही कह रहे हैं। उत्प्लावन मतलब एक ऊपर की तरफ फोर्स, अपवर्ड फोर्स जिसको बोल सकते हैं अपन लोग। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड द लिक्विड एग्जर्ट एन अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड
फोर्स, देखो वही वर्ड आया अपवर्ड फोर्स। When an object is placed in a liquid, the liquid exerts an upward force on it. For example, when a piece of cork is held below the surface of water by applying the force of our thumb and then released, then the cork immediately rises in the surface. It appears as the same upward force is exerted by the water on the cork which it pushes to it the surface. अगर हम लोग कोई वाटर टैंक है उसमें वाटर भरा है, इस यहाँ पे कोई वुड का पीस डाल देते हैं, तो ये यहाँ पे फ्लो करता रहेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा ड्यू टू रीजन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम हो जाएगा, जब प्रेशर कम हो जाएगा तो वो फ्लोट करेगा, तैरता रहेगा। इसीलिए जो भारी अगर स्टेट इनका इस तरीके से जो नाव होती है वो फ्लूइड में तैरती रहती है, जबकि उसी वेट का अगर हम लोग कोई इस तरीके से ऑब्जेक्ट कर लें और उसको वाटर में डुबाने की कोशिश करें तो वो अंदर चला जाएगा। इस तरीके से अगर कोई हो और कोई इस तरीके से हो जिसका एरिया ज्यादा हो, जिन ऑब्जेक्ट का एरिया ज्यादा होगा उन पे जो फ्लूइड प्रेशर लगेगा ये प्रेशर ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से ये बॉडी तैरती रहेगी और ये बॉडी डूब जाएगी। अगर छोटी सी कील लेते हैं हम लोग, नेल लेते हैं उसको वाटर में डालें तो वो डूब जाएगी, जबकि एक बड़ा कोई कॉर्क का पीस वो वाटर में नहीं डूबेगा ड्यू टू रीजन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये आर्किमिडीज सर ने प्रिंसिपल भी दिया था फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, इसी से रिलेटेड था आर्किमिडीज सर का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, when an object is partially immersed in a liquid it experience
अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू आर्कोटिक्स प्रिंसिपल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। सपोज इट इज अ वाटर टैंक एंड इट्स अ वुडन पीस। अगर इसको हम लोग इस वाटर में इमर्ज कराएं पार्शियली या फुली आधा या पूरा डुबोएं तो यहाँ पे वाटर जो लिक्विड होगा वो एक फोर्स एग्जर्ट करेगा इस वुडन पीस के ऊपर। ये वाटर टैंक है, ये जो प्रेशर है इसकी डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वाटर में अगर डुबोएंगे तो ऊपर से ही डालेंगे, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वाटर का वो ऊपर की तरफ लगेगा और ये जो प्रेशर है ये इस वुडन पीस के द्वारा ये जो वाटर जितना डिस्प्लेस किया जाएगा उसके वेट के इक्वल होगा। यही आर्कोटेक्चर का प्रिंसिपल था। इस तरह से ये चैप्टर क्लोज हो गया। अगला चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।